हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कम्प्लीट एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स जावा सेक्शन मैंने बी जी एस एंड आई बी इंस्ट्रक्टर तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था लूप्स के बारे में कि क्या लूप होता है कहाँ यूज़ करते हैं क्या कॉन्सेप्ट है उसका कैसे यूज, लूप यूज करते हैं कितने टाइप्स के लूप होते हैं हम लोग कितने टाइप्स का यूज करेंगे ठीक है तो हमने ये सब चीज़ें पहले लूप्स में देख लिया था कि, कि लूप्स क्या होते हैं उसके बेस पे आपने एग्जाम्पल भी क्रिएट किया होगा अपने अपने लॉजिक का यूज़ करके ठीक है तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और इसमें वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं तो क्लासेस के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि क्लासेस एक ब्लू होता है क्लासेस एक टेम्पलेट होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करते हैं मैंने याद है आपको एक एक्जाम्पल दिया था कि हम लोग कोई ग्रीम क्रिएट कर रहे हैं या फिर गोष का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उससे मैंने आपको क्लास के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि क्लासेस क्या होते हैं तो आप वो वीडियो नहीं देखो तो आप वो भी जाके देख लेना तो उस पर हमने क्लास के बारे में तो बात किया था ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं किया था तो सिंपल से देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है जो क्लास को इम्प्लीमेंट करे उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं ठीक है मैं आपको पूरा एक फ्रेश एग्जाम्पल देता हूँ न्यू एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे क्लास अपडेट्स क्या होता है आपको फॉर एग्जाम्पल एक घर बनाना है अपना ठीक है तो आप क्या करोगे पहले आप अपने घर का एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करोगे कि मुझे ये रूम यहाँ चाहिए इतना इतना एरिया मेरे रूम के लिए रहेगा इतना मेरे हॉल के लिए रहेगा इतना मेरे किचन के लिए रहेगा इतना बेडरूम के लिए रहेगा इतना वॉशरूम के लिए रहेगा ये सब आप डिसाइड करोगे ठीक है आपने एक मैप क्रिएट किया उसमें आपने डिसाइड किया तो ये तो आपने क्रिएट कर लिया एक मैप अब आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराओगे उस मैप को एक रियल घर में इंप्लीमेंट कैसे करवाओगे आपको मैन पावर चाहिए आपको ईट चाहिए आपको सीमेंट चाहिए आपको रेत वगैरह चाहिए ठीक है तो आप इसके थ्रू इम्प्लीमेंट कराओगे ना तो ये सारा ऑब्जेक्ट्स हो गया जो क्लास को इम्प्लीमेंट कराए उसको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं जो कि ब्लूप्रिंट को आपके एक रियल घर में कन्वर्ट करवाए उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं ठीक है ठीके? आप समझ गए कि क्या होता है तो अब क्लास को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं मैं मैं आपको एक इस एक इस कोड से बताता हूं फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूं एक क्लास पब्लिक यूजर नाम का ठीक है सॉरी मैं क्लास क्रिएट करता हूं पब्लिक हटा के क्लास यूजर ओके मैंने एक यूजर नेम की क्लास क्रिएट कर ली अभी मुझे क्या करना है यूजर के अंदर यूजर का स्कोर रखना है एंड स्कोर ठीक है एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया और मैं कुछ असाइन नहीं करूंगा मुझे इसमें ठीक है अब इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्या लिख करना होगा सबसे पहले तो हम क्लास का नेम लिखेंगे किस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास का नेम हो गया फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो आपके अपने अकॉर्डिंग तो मैं फॉर एग्जाम्पल अपने नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यश yes. ठीक है मतलब मैं अपना स्कोर इसमें पुट करूंगा इज इक्वल टू न्यू यूजर अब ये न्यू क्या है न्यू कीवर्ड ध्यान दीजिएगा न्यू कीवर्ड होता है जब कुछ आप कोई न्यू क्लास को डिफाइन करते हो कि कोई न्यू क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो आपको न्यू कीवर्ड का यूज होता है अब न्यू कीवर्ड का एक एडवांटेज ये भी है कि वो गार्बेज कलेक्शन में यूज होता है आपका गार्बेज कलेक्शन क्या होता है वो आपकी मेमोरी असाइन करता है और उसके बाद में अगर मेमोरी का यूज नहीं है ठीक है अगर आप यूज नहीं कर रहे हो मेमोरी का अगर आपका फॉर एग्जांपल रैम में कोई वेरिएबल क्रिएट किया है ठीक है अगर आपको उसको बाद में प्रोग्राम आगे जा, आ जाते जाते आपका वो वेरिएबल का यूज नहीं है ठीक है तो बिना मतलब का वो क्रिएट करके रखे रहेगा अपना मेमोरी में जगह तो वो उसको बाईपास करता है वो अपने आप डिस्ट्रॉय कर देगा स्पेस क्लियर कर देगा वो ये होता है न्यू की का यूज तो इस तरह दो यूज हो जाता है इसका अब मुझे क्या करना है यश जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है डॉट करूंगा फिर ठीक है ऑब्जेक्ट का नेम डालूंगा फिर डॉट करूंगा तो फिर मैं सारे इसका जितने भी डेटा होंगे इसमें जो भी होंगे चाहे कोई भी वेरिएबल एक्सेस हो क्या कोई मैथड डिफाइन हो मैथड क्या होता है मैंने आपको बताया नहीं है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है हम लोग इसको डॉट करके सब कुछ एक्सेस करते हैं सारा वेरिएबल सारा मेथड हम लोग एक्सेस कर सकते हैं मुझे स्कोर वेरिएबल एक्सेस करना है तो स्कोर लिख दिया मैंने अब इसमें असाइन करूंगा वैल्यू में लो मेरा स्कोर है नाइन्टी ओके मैंने असाइन कर दिया अब मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओके और मुझे यश डॉट स्कोर प्रिंट कर देना है ओके okay, मैं सेव करता हूं और रन करता हूं देखिए नाइनटी स्कोर में अब प्रिंट हो गया तो देखिए आप देखिए हम लोग ने क्लास कैसे क्रिएट किया अब हम लोग मैथड्स के बारे में जान लेंगे कि मैथड क्या होता है ठीक है तो मैथड क्रिएट करने के लिए हमें पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ फॉर एग्जाम्पल और हाँ देखिए मैं एक मैथड क्रिएट करें इसमें आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यूजर नाम का क्लास है ठीक है मुझे इसमें चाहिए कि यूजर का स्कोर एंटर करना है मुझे और अगर मेरा स्कोर 100 के अब होगा तो मेरे को बताना होगा कि हाँ मतलब कि आपका स्कोर मैं कोई मैसेज प्रिंट कर दूंगा ठीक है तो पहले मैं स्कोर यूजर से इनपुट ले लेता हूँ तो मैं सारा कुछ क्लास में ही कर लूंगा मैं पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए मुझे स्कैनर क्लास डिफाइन करनी होगी स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर ओके और इसमें पास करना है सिस्टम डॉट इन ओके मुझे इनपुट इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है तो मैं डिफाइन कर दूंगा इंट स्कोर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट पहले मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा System. डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर योर नेक्स्ट इंट इसको मैं स्टोर करा लूंगा लाइन चेंज नहीं करना है मुझे इसमें नहीं तो स्कोर करा लिया स्टोर करा लिया उसके बाद में एक मैं मेथड क्रिएट करूंगा पब्लिक वर्ड देखिए मेथड में आपको ये जो पब्लिक होता है मतलब कि उसके तो आपका विजिबिलिटी होती है कि आप कहां कहां से इसको एक्सेस कर सकते हो वर्ड होता है यहाँ पे आप इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर यहाँ पे आप रिटर्न टाइप लिखते हो कि ठीक है वो मैथड कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं रिटर्न करेगा तो इसको मैं और एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको क्लास के बाहर डिफाइन कर देता हूँ मैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है ओके स्कोर डिफाइन किया मैंने और हाँ पहले मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक ओके सारी क्लास इम्पोर्ट कर ली मैंने यहाँ पे ये यह मैंने क्रिएट किया नेक्स्ट इंट अब मुझे क्या करना है इसमें एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं मैं इंट स्कोर नाम का नेक्स्ट सॉरी oh, इसको मैं हटा देता हूँ अभी मुझे इसको इंट स्कोर में स्टोर नहीं करना है मैं इसके लिए पहले एक पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ क्लास का यूजर यश uh, yes, या फिर कुछ ए बी लिख लेते हैं इज इक्वल टू न्यू यूजर ओके मुझे इसको स्टोर कराना है सॉरी ए बी डॉट स्कोर में इसको मैंने स्टोर करा दिया एबीडॉट स्कोर में ओके okay? अब मुझे क्या करना है इसमें एक मैं मैथड क्रिएट करूंगा क्लास मैथड हमेशा क्लास के अंदर क्रिएट होगा कोई भी एक क्लास के अंदर ही क्रिएट हो सकता है मैथड तो मैं इसका दिखाता हूँ पब्लिक वॉइड वॉइड नहीं मैं बोलियन टाइप करता हूँ ठीक है ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा बोलियन और वैल्यू वैल्यू डिफाइन करता हूँ मैं ठीक है अभी मैं मेरे को चेक करना है इफ स्कोर इज ग्रेटर देन हंड्रेड तो मेरे को क्या करना है रिटर्न ट्रू ओके एल्स रिटर्न फॉल्स तो ये हो गया अभी मुझे क्या चेक करना है स्कोर चेक करना है स्कोर अगर ग्रेटर देन हंड्रेड है ग्रेटर देन और इक्वल टू हंड्रेड है तो कुछ भी रिटर्न कर दिया ठीक है मैंने इसको स्टोर करा दिया अब मुझे कॉल करना है ए बी डॉट मैथड क्या था वैल्यू वैल्यू अब मुझे इसको कॉल करा दिया मैंने वैल्यू फंक्शन को ओके okay. और मैं ट्रू या फॉल्स रिटर्न इसको स्टोर करा दूंगा एक बोलियन टाइप के वेरिएबल में बोलियन ए बी नहीं ए बी नहीं बी सी ओके ओके ये ट्रू या फॉल्स स्टोर करा देगा अब मैं इसके वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा बी सी में जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करना है देखिए अभी आप इसको समझिएगा क्या कर रहा है? पहले मैं प्रिंट इसको रन करा कर दिखा देता हूं लाइन यूज़र ए क्या है कैन नॉट फाइंड सिंबल लाइन कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास यूजर ओके मैंने ये डिफाइन गलत किया है इस स्मॉल यू होगा मैंने ओके okay. इंटर योर स्कोर स्कोर है हमारा फॉर एग्जाम्पल वन ट्वेंटी ओके तो देखिए इसने ट्रू रिटर्न किया अभी देखिए आप समझ रही समझिए क्या हो रहा है हमने एक क्लास डिफाइन किया पहले तो अभी आप कंपाइलर के भी एंड से सोचिएगा कंपाइलर पहले आया क्लास देखा क्लास एक क्लास टाइप है इसको ये कोड को रन ही नहीं करेगा इसको कोई रन ही नहीं करेगा यहां तक जो देख रहे हो आप रन ही नहीं करेगा तो कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं होगा फिर इसने आया देखा एक यूजर का यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए बी ठीक है उसके बाद इसने स्कैनर से एक क्लास क्रिएट किया ताकि कोई वैल्यू इनपुट ले लें उसके बाद उसने प्रिंट किया कि इंटरव्यू स्कोर ठीक है फिर स्कोर को ए बी डॉट स्कोर में यहाँ पे ए बी डॉट स्कोर ए बी जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था हमने इस यूजर क्लास का इसके ये इंट स्कोर नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया इसने फिर ठीक है ये असाइन कर दिया इसने उसके बाद एक मैंने क्रिएट किया बुलियन टाइप का वेरिएबल बी सी ओके हमने फिर ए बी जो है ऑब्जेक्ट उसमें जो फंक्शन मैथड है वैल्यू ठीक है उसको कॉल किया तो ये वैल्यूज में जब कॉल हुआ तो इसने चेक किया कि क्या स्कोर जो है इसमें जो स्कोर वैल्यू जो स्टोर कराई है यहां पे इनपुट लेके यूजर से क्या वो हंड्रेड से बड़ी है हंड्रेड का इक्वल है अगर हंड्रेड से बड़ी है तो उसको ट्रू रिटर्न करना है नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है ठीक है अब ये रिटर्न करना है इसलिए रिटर्न कर पाया क्योंकि हमने यहाँ पे बुलियन लिखा था ये रिटर्न टाइप डिफाइन करता है यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है जहां से कॉल हुआ है फंक्शन तो आप वहां पे वॉइड लिख सकते हो अगर आप कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करें करें कि फॉर आपको या करें, या रिटर्न फिर कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करें तो आप वहां पे एंड लिख सकते हो ठीक है इस तरह है। और अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट लेना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है और उसकी स्ट्रिंग नाम की डेटा टाइप है और एक क्लास है एस नाम का और अगर मुझे अब कॉल करना होता तो मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करनी पड़ती उसको ठीक है फॉर एग्जाम्पल यश मैंने यहाँ पे पास कर दिया तो ये पास करता जब तब ये यह यहाँ पे एक्सेप्ट करता नहीं तो हम लोग यहाँ पे अगर कोई वैल्यू पास करनी है तो हम लोग को यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट डिफाइन करना पड़ेगा कि हम लोग को ये आर्युमेंट है हम लोग को ये वैल्यू ये मेथड मेरा ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगी इस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगी तो जब यहाँ पे सब कॉल करोगे आप तो उस टाइप की वैल्यू आप वहां पर डिफाइन कर सकते हो ठीक है तो इसको भी मैं हटा देता हूँ उसके बाद जानेंगे क्या हुआ चेक किया कि उसकी स्कोर हंड्रेड से बढ़ी है कि नहीं हंड्रेड से बढ़ी उसने रिटर्न ट्रू कर दिया नहीं तो फॉल्स कर दिया अभी मेरे एंड में यहाँ पे मैं वन ट्वेंटी डाला था तो इसने रिटर्न ट्रू किया तो मुझे रिटर्न ट्रू कर दिया उसने नहीं तो रिटर्न फॉल्स करता यहाँ पे इसने फॉल्स ट्रू रिटर्न करके ये बुलियन टाइप के बीसी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया फिर मैंने वही जो वेरिएबल को प्रिंट करा दिया वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी ओके मैं एक बार और रन करता हूँ स्टार्ट करता हूँ इंटरव्यू स्कोर मैं एग्जाम्पल अपना तो है आप शॉर्ट कर, हाँ, कर सको आप एक ही कोड बहुत जगह यूज कर रहे फॉर एग्जांपल अब देखिए हमने एंड्रॉइड गेम जब बनाया था हायर और लोअर गेम में तो उसने हमने देखा था कि हम लोग टोस्ट का यूज अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उसे देख लीजिए फिर आपको अच्छे समझ में आएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ वहां पे हमने जो टोस्ट प्रिंट किया था वो हर एक कंडीशन में जो मैंने इफ एल्स लगाया था कि अगर वैल्यू uh, इक्वल हो जो यूजर गैस किया है और जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है उसके इक्वल हो तो आपको ये टोस्ट प्रिंट करना है उसके बाद ये प्रिंट करना है उसके बाद ये प्रिंट करना है, प्रिंट करना है अलग अलग तीन कंडीशन मैंने डिफाइन किया था टोस्ट तो मुझे कोट को स्टॉर्ट करने के लिए मैं एक मैथड डिफाइन कर दिया होता जिसमें मैंने उसमें टोस्ट प्रिंट कर दिया होता और मैंने एक आर्ग्यूमेंट लिया होता स्ट्रिंग टाइप को यहाँ पे मैंने जैसे देख रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप को मैंने आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किया होता और जैसे ही मैं इफ कल कंडीशन में कि इफ अगर इक्वल होता है अगर जो रैंडम नंबर सिस्टम ने जनरेट किया है और जो रैंडम नंबर यूजर ने गैस किया है वो उसके इक्वल हुआ तो मुझे टोस्ट में क्या प्रिंट करना है ठीक है तो टोस्ट में वो स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर देते हैं हम लोग उस मैथड को और उस मैथड की वैल्यू को हम लोग वेरिएबल में स्टोर करा दिए थे यहां पर हमने बताया था एग्जाम्पल में फिर उसको उस उस वैल्यू को प्रिंट करा दिए होते तो आप एक ही कोड से सिर्फ एक ही टोस्ट के कोड एक ही लिखना पड़ा आपको बार बार नहीं क्रिएट करना पड़ा टोस्ट तो ये सोर्टिफाई हो गया कोड ठीक है मेमोरी भी कंज्यूम होता है कम उससे तो ये होता है सारा कुछ कॉन्सेप्ट आप इसे खुद से प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ लेक्चर से कुछ नहीं होता आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है जितना मैंने बताया उसकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और जावा का सेक्शन एंड करते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे मीडिया के बारे में देखेंगे एंड्रॉइड में और क्या क्या हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं सारे मीडिया जितना भी हो गया आपको ऑडियो क्रिएट करना हो या फिर और कुछ करना हो तो आप उस कैसे कैसे कर सकते हो तो वो देखेंगे तो आज की वीडियो के लिए इतना ही इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब ले चैनल को मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं नए सेक्शन के साथ तब तक के लिए बाय बाय